आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री गणेशोत्सव, ये जो हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, छिंदवाड़ा चौराहा जो अब शंकराचार्य चौक कहलाता है, यहाँ का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा चौक में शंकराचार्य चौक अब बन गया है और यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की प्रतिमा की स्थापना भी बहुत जल्दी होने वाली है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। गणेश उत्सव के दौरान गणेश जी की आरती, वंदना, स्तुति इस गणेश मंदिर में विशेष रूप से जारी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं महिलाएं यहां पर भजन करती हुई दिखाई दे रही होंगी। महिलाएं यहां दिन भर भजन चलते हैं और फिल्मी भजनों के बजाय महिलाएं स्वयं यहां पर मंडली आती है और वे यहां भजन करती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्री गणेश उत्सव 7 सितंबर से 17 सितंबर तक जारी रहेगा और शंकराचार्य चौक के श्री गणेश मंदिर में प्रतिदिन प्रातः एवं रात्रि में श्रृंगार होता है, पूजन और आरती होती है। इसके अलावा आयोजकों के द्वारा बताया गया कि 7 सितंबर से 17 सितंबर तक प्रतिदिन मोदक लड्डू का भोग लगाया जा रहा है। पहले दिन 11, दूसरे दिन 21, तीसरे दिन 31, चौथे दिन 41, पांचवें दिन 51, छठवें दिन 61, सातवें दिन 71, आठवें दिन 81, नौवें दिन 91 और आखिरी दिन 101 किलो के लड्डू का भोग लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी लगाया जाएगा जब तक गणेश उत्सव चल रहा है। और हर दिन 3 बजे से 5 बजे तक महिला मंडल के द्वारा भजन किए जाते हैं यहाँ पर। 16 सितंबर को दोपहर 12 बजे से इस देवालय में, भगवान श्री गणेश के इस देवालय में, बुद्धि विनायक भगवान श्री गणेश के देवालय में कन्या भोजन 16 सितंबर को कराया जाएगा। 17 सितंबर को हवन, पूजन और महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। देख सकते हैं आप यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, भक्त दर्शन कर रहे हैं और कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। अलौकिक छटा आपको इस प्रतिमा की अलग ही दिखाई दे रही होगी। आपको हम बता दें कि पहले गणेश मंदिर सड़क पर हुआ करता था, बाद में चूँकि चौराहे को चौड़ा किया जाना था, इस चौराहे से एक छिंदवाड़ा की ओर मार्ग जाता है, एक मार्ग नागपुर की ओर जाता है, एक सिवनी शहर के अंदर आता है और एक कटंगी नाके के लिए जाता है। इस चौराहे पर चूँकि उस समय काफ़ी यातायात बहुत ज़्यादा होने के कारण जाम लगने की स्थिति यहाँ निर्मित हो रही थी, इसलिए गणेश मंदिर समिति के द्वारा इसे पीछे हटाने के निर्णय का स्वागत किया गया और अपने मूल स्थान से पीछे ले जाकर इस यहाँ पर भगवान श्री गणेश का नया देवालय स्थापित किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। जैसे ही आप सिवनी में प्रवेश करते हैं या सिवनी से आप कहीं की ओर गमन करते हैं, आप बुद्धि विनायक, गजानन, महोदर, न जाने कितने नामों से भगवान श्री गणेश को पुकारा जाता है, भगवान श्री गणेश के आप दर्शन यहाँ पर आते जाते कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सलोनी प्रतिमा और प्रतिमा की एक तरफ माता रिद्धि, दूसरी तरफ माता सिद्धि, दोनों के साथ भगवान श्री गणेश यहाँ विराजे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही सुंदर प्रतिमा, अलौकिक प्रतिमा यहाँ आप देख रहे होंगे। नैना विराम नज़ारा रहता है, ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने आपको लगातार ही भगवान श्री गणेश के विभिन्न अवतारों के बारे में और भगवान श्री गणेश की अन्य कथाओं के बारे में आपको लगातार ही बताया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।